पिछले साल जुलाई के महीने में आपने देखा किस तरह से बाढ़ ने अपना कहर बरपाया था। सुप्रीम कोर्ट की सड़कों से लेकर आईटीए के चौराहे तक पानी पहुंच गया था, लेकिन ये पानी वहां तक कैसे पहुंचा, इसकी वजह पर हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जहां हम मौजूद हैं मेरे पीछे ड्रेन नंबर 12 है और यहाँ पर रेगुलेटर टूट जाने की वजह से जो बाढ़ का पानी है वो शहर में प्रवेश कर गया था। अब दिल्ली सरकार ने सबक लेते हुए यहाँ पर क्या तैयारियाँ की है, इसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुँचे हुए हैं। और आप यहाँ पर ये जो पूरे उपकरण देख रहे हैं, ये बाढ़ के पानी को दिल्ली में प्रवेश ना होने देने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। सौरभ, मेरा सवाल आपसे यही है, पिछले साल जो हालात बने, क्या आपने सबक लिया? देखिए, पिछले साल 1978 के बाद, कह सकते हैं करीब 50 सालों के बाद, दिल्ली के अंदर इतना पानी यमुना में आया और वो पानी का प्रेशर इतना था कि ये सामने, अगर आप दिखाएं अपने कैमरामैन को, सामने यमुना है, यहाँ से करीब 200 मीटर दूर, वहाँ से पानी का प्रेशर इतना था कि ये पूरी की पूरी दीवार को यमुना ने तोड़ दिया था। और दीवार तोड़ के इतना प्रेशर इस रेगुलेटर पर पड़ा था कि ये रेगुलेटर मुड़ गया था। अच्छा। और सारा पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। नीचे रेगुलेटर कहाँ है ये बता दें? काले रंग की जो प्लेट है, हाँ। लोहे की, स्टील की, ये रेगुलेटर है। हाँ। और इसके पीछे देखिएगा, हमने बड़ा इसको रीइन्फोर्स किया है, मोटी मोटी प्लेट्स इसके अंदर लगाई गई हैं परपेंडिकुलर में, तो ये इसको रीइन्फोर्स किया। दूसरी बात, ये जो पीछे आप बांध देख रहे हैं, आपके बिल्कुल पीछे, आपके कैमरामैन के बिल्कुल पीछे जो बांध देख रहे हैं, ये पत्थरों की एक मोटी दीवार, करीब 5 मीटर चौड़ी दीवार बनाई गई है, ठीक है। और इसको जो है स्टील के नेट से इसको रीइन्फोर्स किया गया है। ये अभी हाल फिलहाल में बनाई गई है, तो ये जो है दीवार ये नई बनाई गई है, पिछले साल बनाई गई है। हाँ। और ये रेगुलेटर जो है बिल्कुल नया बना है। पीछे जो आप पंप सेट देख सकते हैं 32 हॉर्स पावर के, ये नए पंप सेट्स हैं बिल्कुल। ये पंप दिखा दीजिए, इनका काम क्या है, ये रास्ता क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ? ये रास्ता जो है ये बेसिकली WHO ड्रेन भी कहा जाता है, और ये आगे जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। और इसके लिए रिजर्व में भी हमने पंप सेट्स और जनरेटर सेट्स रखे हैं, ताकि कोई भी विपदा आ जाए तो हमारे पास बैकअप के अंदर इंतजाम हो। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस रेगुलेटर के आसपास जो आपने इंतजाम किए हैं, ये काफ़ी हैं बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, या सिर्फ एक कोशिश है ये? देखिए, ये पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारी कोशिश है, और हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये मानता है कि इस स्ट्रेंथ की एम्बैंकमेंट्स और इस स्ट्रेंथ के रेगुलेटर जो है वो यमुना के भाव को झेल सकते हैं, ऐसी हमारी कैलकुलेशंस हैं। ये पंप किस काम के है? अगर यहाँ पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको इधर वापस फेंकेंगे? मैं आपको समझाता हूँ। पंकज जी, आप इस चीज़ को समझिए, अभी क्या है, नालों का पानी यमुना में जा रहा है, क्योंकि नाला ऊंचा है, यमुना नीची है। जब यमुना का लेवल बढ़ता जाएगा तो यमुना ऊपर हो जाती है, नाला नीचे हो जाता है, तो ये रेगुलेटर बंद कर दिया जाता है, ताकि यमुना का बैकफ्लो शहर में ना घुसे। और जो पंप है, इन पंपों से पानी को नालों से यमुना में फेंका जाता है, क्योंकि रास्ते को हमने रेगुलेटर से बंद कर दिया, तो इसलिए ये पंप्स भी लगाए गए हैं जो तब चलेंगे जब ये रेगुलेटर बंद कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भारद्वाज, तसल्ली से ये समझाते हुए कि यहाँ पर जो पंप इंस्टॉल किए गए हैं इनका मकसद क्या है। यहाँ पर ये ड्रेन नंबर 12 है और ये सीधे ITO सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है, और यही एक बड़ी वजह बनी थी पिछले साल, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी दिल्ली के मुख्य इलाकों में प्रवेश कर गया था। अब सरकार दावा कर रही है कि तमाम नए इंतज़ाम किए गए हैं, और देखना होगा बाढ़ के पानी को रोकने में ये तमाम इंतज़ाम कितने कामयाब रह पाते हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।